नमस्कार दोस्तों, रमन धर भाई यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। क्या आप किसी शादीशुदा औरत या कुंवारी कन्या को अपने वश में करना चाहते हैं? या तो किसी शादीशुदा स्त्री को या किसी कुंवारी लड़की को आप अपने वश में करना चाहते हैं। ऐसे ही अगर आप किसी शादीशुदा पुरुष को या कुंवारी किसी लड़के को वशीकरण करना चाहते हैं तो आज का उपाय केवल और केवल आपके लिए है। आज का उपाय बहुत ही शक्तिशाली से प्रचंड है। इसके द्वारा आप किसी डिवोर्स हुआ हुआ उस इंसान को भी वशीभूत कर सकते हैं और साथ ही जिनके हस्बैंड या वाइफ नहीं रहे, यानी कि विधवा। लेकिन याद रहे कि इस कार्य को पूरी शिद्दत और सच्चे दिल से किया हुआ उपाय ही कार्य करेगा। याद रहे, अगर आप किसी की बहन बेटी का फ़ायदा उठाने के लिए, उसकी इज्जत का फ़ायदा उठाने के लिए अगर आप ऐसा प्रयोग करते हैं या उसकी प्रॉपर्टी पर नज़र रख के आप ऐसा प्रयोग करते हैं तो कदाचित ये उचित नहीं है। ईश्वर कभी भी आपको माफ़ नहीं करेगा। अगर वास्तव में आप उसके साथ जीवन व्यतीत करना चाहते हैं या उनसे प्रेम करते हैं, तब आप इस प्रयोग को सच्चे दिल से कर सकते हैं। अगर अन्य आप छोटी छोटी चीज़ों की अन्य पूर्ण जानकारी और बड़ी कुछ विधियों के बारे में पूर्ण जानकारी जानना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वहाँ जाएं, विजिट करें और आप अच्छे से अच्छी बढ़िया जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जिससे कि आप अपनी समस्याओं को स्वयं हल कर लेंगे। किसी के पास आपको जाने की जरूरत नहीं होगी। आज का जो प्रयोग है, आगे बढ़ने से पहले उचित यही है कि आपसे गुरुदक्षिणा के रूप में मैं किसी चीज़ की प्रार्थना नहीं करता, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि आगे चलकर हम आपको और भी टूट के फिर मंत्र बता पाएं। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर जरूर करें, उन लोगों तक पहुँचाएं जिनके जीवन में बहुत सी परेशानियाँ चल रही हैं। आपको जो सामग्री चाहिए, मैं आपको बता दूँ, उस इंसान की तस्वीर कम से कम 3 महीने से ज़्यादा पुरानी ना हो। एक आपको छोटा सा मिट्टी का पत्र, एक सफ़ेद रूमाल लेना है आपको। अगर आपके पास स्वयं का है तो अच्छी उत्तम बात है, नहीं तो आप नया खरीद लें। एक आपको लाल सिंदूर की पूर्ण रूप से, एक या तो आप पैकेट लें या डब्बी ले लें, काफ़ी सारा चाहिए आपको। और आपको एक लहसुन, साबुत लहसुन की आँच चाहिए। इस कार्य को आप कब कर सकते हैं? आप इस कार्य को, याद रहे, वार मायने नहीं रखता, समय मायने रखता है इस विधि के अंदर। तो किसी भी वार की रात्रि के 11:15 के बाद आपको शुरू करना है, उससे पहले नहीं शुरू करें। 11:15 और जो समय रहेगा वे 1:15 के बीच बीच इस प्रयोग को करना है, ज़्यादा लंबा नहीं है। तो सच्चे दिल से स्नान आदि करके बैठें, आप उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आप भी आसन पर बैठें, क्योंकि जमीन पर कोई भी अंग आपका निर्धारित रूप में न टच करना चाहिए। याद रहे, इस कार्य को पूरी शुद्धता से करना है, तो पवित्र होकर नहाकर करना है। महिलाएं कठिन समय में न करें, पुरुष श्राव मास आदि अंडे का सेवन महिलाएं पुरुष दोनों न करें। किसी से शारीरिक संबंध न बनाएं जिस दिन आप इस प्रयोग को करें। आपको उस तस्वीर को रखना है, सबसे पहले बीचों बीच पहले सफ़ेद कपड़े के आप इस मिट्टी के पात्र को रखें, उसकी तस्वीर को रखें, उसके ऊपर आपको लाल सिंदूर डालना है। डाल देने के बाद आपको इस लहसुन के इसके ऊपर रख देना है। अब रख देने के बाद आपको इसकी ओर देखते हुए 2 मिनट के लिए उसका आँख बंद करके उसका चेहरा याद करना है। 5 मिनट 2 मिनट आप उसका चिंतन करें, अच्छे से सच्चे दिल से अपनी जो भी प्रार्थना, अपने सच्चे ईश्वर को याद करते हुए प्रार्थना करें। प्रार्थना कर देने के बाद आप क्या करें कि इस लहसुन के ऊपर इस तरीके से दोनों हाथ रख लें, रैप्ट और राइट, ये रख के फिर एक मंत्र का जाप करें। मंत्र जो कि स्क्रीन पर शोर है, इस मंत्र का आपको 111 बार उच्चारण करना, मात्र 111 बार। याद रहे, 111 बार करना, 108 बार नहीं, 107 बार नहीं, 101 बार नहीं, 111 बार उच्चारण करना है। उच्चारण जैसे ही पूर्ण हो जाता है आपका, तब आपको इसकी पोटली बना लेनी है। इस तरीके से आप इसकी पोटली बना लें। मैं तो मैं एक ही प्रयोग कर लूँ तो मुख्यतः मैं आपको बता, ये मान लीजिए कि अब पोटली तैयार होगी। अब इस पोटली को आपको क्या करना है, अपने जो बिस्तर पे आप सोते हैं उस बिस्तर की पैरों की ओर आपको इसे 3 दिन के लिए दबा कर रखना है। जिस बिस्तर पे, जिस बेड पे आप सोते हैं, नीचे गद्दे के चद्दर के, 3 दिन के लिए आप सुबह उठ के इसे निकाल कर अपने सर के ऊपर की जगह रख दें। लेकिन जब रात्रि को सोने जाएं तो फिर से आप इसे रख ले। 3 रात्रि के लिए आपको रखना है। चौथी रात्रि आपको क्या करना है, चौथे दिन जैसे 3 रात्रि गुजर जाए, चौथे दिन की बात कर रहा हूँ, तो आप किसी भी सुनसान जगह देख कर 11 खड्डा खोद कर इसे आप गाड़ दें। बस मात्र ये छोटा सा प्रयोग स्त्री पुरुष को आपके चरणों में ला कर रख। लेकिन याद रहे कि प्रयोग सच्चे दिल से किया जाए।
इसके अलावा अगर आप आपके जीवन में कोई समस्या चल रही है और आप उसका उचित समाधान चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वे एक पल में हो, तो आप मुझे बेझिझक होकर, चाहे बहने हैं भाई, कुछ बहने शर्माती है तो आपका नाम उजागर नहीं, बेझिझक होकर जो स्क्रीन पर नंबर दिया गया आप उस पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको आपकी हर परेशानी का उचित हल मिलेगा। इसके साथ आपसे इजाजत चाहूँगा, धन्यवाद।